एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक भारत में 1 से 2 करोड़ लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। आंखों के इस रोग की जांच के लिए काफी लंबी और असुविधाजनक प्रक्रिया है, जिसके तहत नेत्र रोग विशेषज्ञ कई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिससे आसानी से शुरुआती दौर में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट। डायबिटीज यानी मधुमेह एक साइलेंट किलर की तरह काम करने वाली इस बीमारी से पैदा होने वाले अन्य रोगों में से एक है आंखों का रोग डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे रोगियों के रेटिना की रक्त वाहिकाओं में असमान वृद्धि होने लगती है, जिससे धुंधला दिखना, रंगों की पहचान में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने श्री शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटी के साथ मिलकर एक खास माइक्रोफ्लूइडिक एनालाइजर उपकरण विकसित किया है, जो आंसू या यूरिन सैंपल द्वारा बहुत शुरुआती चरण में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान कर मरीज को अलर्ट कर सकता है। प्रेजेंटली मेथड्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इंक्लूड फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ एक्सोडासीन रेटिना एंड इमेज एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग टूल्स। हाउएवर Such methods are not easily accessible and non-portable also, even rather expensive. In this direction, a biosensor has been developed for point-of-care testing device for beta-2-microglobulin, suitable for early detection as well as regular monitoring of diabetic retinopathy. इस उपकरण को आईआईटी गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग और सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय और उनकी टीम ने तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रोटीन बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन यानी B2M का पता लगाया, जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत देता है। जांच के लिए रोगी के शरीर से लिए गए तरल पदार्थ जैसे आंसू या यूरिन सैंपल को उपकरण में डाला जाता है, जहां वो नैनो गोल्ड कणों से भरी B2M एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, और अगर सैंपल में B2M प्रोटीन होता है तो उसका रंग बदल जाता है। इस तरह पता चल जाता है कि रोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी से जूझ रहा है या नहीं। Diabetic retinopathy causes damage to the blood vessels of the light sensitive tissue at the back of the eye. The longer you have diabetes and the less controlled your blood sugar is, the more likely you are to develop this eye complication. An early stage real-time detection of diabetic retinopathy can be realized by analyzing the biomarker beta-2-microglobulin in the body fluids. It helps in detecting the onset and growth of this dreaded eye disease, diabetic retinopathy, for the patients suffering from diabetes mellitus. ये उपकरण बिल्कुल ग्लूकोमीटर जैसा आसान और पोर्टेबल है, जिससे कहीं भी आसानी से रोगी की जांच की जा सकती है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस शोध को ACS सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है, और इसके लिए भारतीय पेटेंट भी दायर किया गया है।